अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है सब? हाँ जी, आज हमने ऐसे कंप्लीट करना है, माय हाउस ऐसे है, और इसका आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने यहाँ तक किया था, आई टेक केयर टू कीप द फ्रंट लॉन टाइडी इनफ बाय यूजिंग अ लॉन मूवर, और आज हम इसके बाद कोटेशन पुट करेंगे। देखें जी, वंस ओन हाउस इज़ अ ब्लेसिंग इंडीड, आपका अपना घर बहुत बड़ी रहमत है। वंस ओन हाउस इज अ ब्लेसिंग इंडीड, वंस ओन हाउस इज अ ब्लेसिंग इंडीड, वंस ओन हाउस इज अ ब्लेसिंग इंडीड। देखें, माई हाउस इज नॉट अ वेरी बिग और मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, कहता है मेरा अपना घर बहुत बड़ा या कोई शानदार इमारत नहीं। माई हाउस इज़ नॉट अ वेरी बिग और मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, माई हाउस इज़ नॉट अ वेरी बिग और मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, बट लेकिन इट इज़ नॉट लाइक अदर हाउसेज, लेकिन ये दूसरे घरों की तरह नहीं है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, इट इज़ डिफरेंट, ये मुख्तलिफ है। देखें जी, अपना घर इसको कितना प्यारा है। इट इज़ नॉट वेरी बिग और मैग्निफिशेंट वन, बट ही इज़ सेइंग दैट इट इज़ नॉट लाइक अदर हाउसेज, आई हैव सीन, इट इज़ डिफरेंट। सो डिफरेंट होना चाहिए, अपनी चीज़ को हमेशा अच्छा कहा करें। आगे देखें, इट हैज़ अ स्ट्रेंज चार्म फॉर मी, स्ट्रेंज अजीब, मुझे इसके साथ एक अजीब सी खुशी है, चार्म है। आई हैव बिकम सो यूज टू लिविंग इन इट, मुझे इसमें रहने की इस कदर आदत हो चुकी है। ठीक है, आई हैव बिकम सो यूज टू लिविंग इन इट दैट के नाउ अब आई डू नॉट फील कम्फर्टेबल, मैं आराम नहीं महसूस करता एनी वेयर एल्स कहीं भी। कहता है मुझे अपने घर में रहने की इस कदर आदत हो चुकी है कि अब मैं कहीं भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे पढ़ाती हूँ।